आमतौर पर विश्वविद्यालय की शिक्षा के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए माना जाता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में आमतौर पर संतों व अध्यात्म के बारे में कम ही चर्चा होती है। इस परिपाटी को तोड़ने का कार्य भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय ने तोड़ने का कार्य किया है, जिन्होंने संत साहित्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ सामाजिक चिंतक डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक ने संतों की जीवन व अध्यात्म पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को भारत की इस पुरातन संस्कृति से जोड़ने का कार्य किया। बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं व आम लोगों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में अपना ज्ञानवर्धन किया। ये जो आयु होती है नौजवानों के लिए, पूरा समय पूरी शक्ति स्वाध्याय में लगाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। अपने विषय का अध्ययन तो करें ही, विशेषज्ञता प्राप्त करें, लेकिन दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, हमारा पुराना आध्यात्मिक ज्ञान, और उसमें कोई संकोच नहीं करें। दुनिया के जितने दार्शनिक हुए हैं, जितने धर्म हुए हैं, जितने नीतिवान लोग हुए हैं, सबका अध्ययन करें। 25 साल की आयु तक अपना जीवन पूरा अध्ययन में, संयम में, व्यायाम में, ध्यान में लगाए तो आगे का जो 75 साल का जीवन है वो निष्कलंक बीतेगा, वो बिना तकलीफ के गुजरेगा। तकलीफें तो आती रहती हैं, लेकिन अगर 25 साल के जीवन में आपने संयम का परिचय दिया, चित्त निग्रह का परिचय दिया, जो अपने दर्शन शास्त्र में कहा है ना, और गीता में कहा है कि मने और कारण बंध मोक्ष, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन पर अगर आपके नियंत्रण हो गया तो अगले 75 साल बहुत ठाक से गुजरे, भाषात्मक गुजरे। यही अपने देश की परंपरा है और इसी कारण भारत को विश्वगुरु कहते हैं। दुनिया के किसी देश में ऐसी परंपरा नहीं जैसी अपने यहाँ। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य काल में ही व्यक्ति संन्यास्त हो जाए, उसके संन्यास की वृत्ति बन जाए, तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। कार्यक्रम को लेकर के आज आदर्श महिला महाविद्यालय में श्री अशोक मोहनवाड़ा जी एक परिश्रम से एक अंतर्राष्ट्रीय संत साहित्य के ऊपर गोष्ठी हो रही है। भिवानी का एक सौभाग्य ही है, इस प्रकार की संगोष्ठी बहुत कम ही हो पाती है। भारतीय संस्कृति संतों की संस्कृति है, संतों ने जितना भारतीय संस्कृति को सींचा है ऐसा कहीं भी विश्व में उपलब्ध नहीं है। आज यहाँ पर विद्वानों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय नीति आयोग के, भारतीय देश नीति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक सरी के जब विद्वान यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से भिवानी की जनता को, भिवानी के इस आदर्श कॉलेज की लड़कियों को, विद्यार्थियों को, यहाँ के आसपास के इलाके को बहुत ही ज़्यादा एक लाभान्वित होंगे। इस प्रकार के विद्वानों की संगोष्ठी होती ही रहनी चाहिए। मैं पुनः आदर्श महाविद्यालय की मैनेजमेंट, विशेष रूप से श्री अशोक मोहनवाला जी का बड़ा आभारी हूँ कि हमें भी इस प्रकार की संगोष्ठी में सहभागी होने का अवसर मिला है। मुनीश क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है? आज हमारे कॉलेज में आदर्श महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के बारे में बताया गया। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को, सभी को पता चले, हमें हमारे संतों के बारे में बहुत जानकारी मिले। बहुत, क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशी शर्मा है, मैं आदर्श महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हमारे आदर्श महिला महाविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल साधु संतों को लोग भूलते जा रहे हैं, बट हमारे जो कॉलेज है, हमारा जो महाविद्यालय है, इन चीज़ों को बरकरार रखते हुए ऐसे प्रोग्राम करवाते हैं। तो इसे कितना फायदा होगा? इससे हमें बहुत फायदा है, हमें हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में बहुत जानने का अवसर मिलता है और हम इनके लिए प्रोत्साहित होते हैं कि आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करवाते जाएँ और इन्हें देखते जाएँ।